सो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तांदी पुल के पास। हमने शायद बस मिस कर दी है गाइस, एज यू नो कि हमारी बस तो मिस हो चुकी है, तो हमें ये भैया मिल चुके हैं ट्रक वाले। कैसे हो भैया? बढ़िया गाइज, उठ चुके हैं अभी हम, एंड अभी बस आने वाली है तो हम तैयारी में। ज़्यादा लेट सोए थे एंड थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें पांगी भी जाना है, एंड होपफुली यहाँ पे बहुत बढ़िया नींद आई यार। पता भी नहीं लगा कहाँ पे थे हम, क्योंकि दो तीन दिन से ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा। एंड अभी जाने की तैयारी में, तो चलिए इनको सी ऑफ करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, चलते हैं। हम जा रहे हैं एंड इन्हें हम सी ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने इतने नेक्स्ट लेवल की हमें सैलरी दी एंड बहुत अच्छे से हमें रखा। थैंक यू सो मच, हम चलते हैं, आप जरूर आइएगा पांगी। ठीक है जी, ठीक है, बाय 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 अर्नव। सो गाइस, भैया हमें सी ऑफ करने आ गए हैं। देखो सो गाइस, लगभग वेट करते करते 2 घंटे हो गए एंड बस ही नहीं आ रही है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं पैदल निकलता हूँ घर के लिए, क्योंकि यू नो जस्ट 1-1.5 दिन लगेगा, पहुँच जाऊँगा अगली सुबह या फिर अगले दिन को, बट पहुँच ज़रूर जाऊँगा। सो चलते हैं पैदल, जस्ट किडिंग गाइस, पैदल जाते जाते हालत टाइट हो जाएगी। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तांदी पुल के पास। हमने शायद बस मिस कर दी है या फिर बस अभी तक आई नहीं है, कुछ पता नहीं है, बट यहाँ पे हैं तो अब यहाँ से ढूंढ रहे कोई टैक्सी या फिर कोई सर्विसेज जो हमें पांगी पहुँचा सके। As you know कि हमारी बस तो मिस हो चुकी है, तो हमें भैया मिल चुके हैं ट्रक वाले। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया। तो ये होपफुली एंड फॉर्चुनेटली सीधा पांगी जा रहे हैं, तो हमें आप शायद पांगी तक एक प्रॉपर लिफ्ट मिल चुकी है गाइस। सो आई गेस अब देखते हैं उदयपुर तक बस पकड़ सकते हैं तो ठीक है, वरना इनके साथ चले आएंगे। गाइस अभी यहाँ जालमा से थोड़ा सा पीछे रुके हैं एंड रास्ते में थोड़ा सा एकदम हल्का सा मलबा आया है, जिसको साफ करने के लिए आई गेस जेसीबी थोड़ी देर में आती होगी। सो लेट्स चेक इट आउट कि कब तक आती है। गाइज आपने देखा यहाँ पे कितने स्ट्रगल के बाद इन्होंने गाड़ी निकाली ली, एंड बहुत मेहनत लगी इन्हें यहाँ से गाड़ी निकालने में, एंड इट वॉज सो टफ, बट एज यू नो हिमाचली, तो लगाया जोर एंड निकाल ली गाड़ी यहाँ से, एंड अब थोड़ा सा ट्रैक बन चुका है, सो यहाँ से अब हम जा सकते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज गाड़ी फंसा दी है एक आदमी ने यहाँ पे, टूरिस्ट ने यहाँ पे, यही होगा अगर आप हीरो बनने की कोशिश करोगे तो। अब सामने मलबा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही है, एक तो इनकी गाड़ी की क्लियरेंस इतनी है नहीं कि ये निकाल सकते हैं ऐसे गाड़ी। सो गाइस फाइनली चल चुके हैं, एंड जो हमारे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर भैया है, उन्होंने गाड़ी 2 बार आगे पीछे करी ताकि वहाँ पे ट्रैक बन सके, तो बहुत हेल्पफुल है हमारे साथ जो इंसान है। सो अभी जर्नी वापस स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो रात को ही पहुंचेंगे खिलाड़। सो लेट्स गो गाइस। तो ये हमारी सवारी एंड ये है उदयपुर। मैं यहाँ पे अपनी मील ले रहे हैं लंच, इसके बाद विल मूव ऑन टू
गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं तिंदी में एंड फाइनली एक स्ट्रगलफुल एंड बहुत ही मज़ेदार जर्नी लगभग अपने अंत की ओर बढ़ रही है। स्ट्रगलफुल इसलिए क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की सड़कें कैसी हैं, बहुत ही टफ रोड्स है, बहुत ही नैरो रोड्स है, पास देने में दिक्कत जैसे मैंने पहले भी बोला है। एंड सेकेंडली मज़ेदार इसलिए क्योंकि ऐसे दोस्त मिल गए, रुकेश भैया एंड साथ में ये जो ड्राइवर है उनके साथ में जो उनके फ्रेंड है, बहुत मज़ा आएगा इस यहाँ तक। तो अब थोड़ा रह गया, यहाँ से आगे आई गेस मज़ा कंटिन्यू रहेगा एंड स्ट्रगल भी एज यू नो कंटिन्यू रहेगा। गाइस हमारा टी ब्रेक खत्म हो गया एंड अभी हम जा रहे हैं वापस एंड थोड़ी सी बची है जर्नी, इस मेस्मराइजिंग जर्नी का हिस्सा एंड नाउ वी हैव टू गो। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं एंड ये है मेरे साथी एंड अगर ये भैया नहीं होते तो शायद हम पांगी भी नहीं पहुंचते आज। तो बहुत ही मज़ा है इनके साथ। अभी फिंडरू पहुंचे हैं, यहाँ से थोड़ा ही वक्त है एंड अभी आप मेरे कैमरे की हालत देख सकते हो एंड यू नो मैंने कैमरा परचेज करा है बट स्टिल वो यूज़ में नहीं लिया है अभी तक। तो अब थोड़ा रास्ता बच गया है, सो दिस माइट बी द पॉसिबल एंड ऑफ द ब्लॉग गाइस। सो गाइस 10:30 बजे हैं एंड बहुत ज़्यादा मज़ा है इस जर्नी में, फाइनली हम किलाड़ पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये व्लॉग्स पसंद आए होंगे, आपको भी एक सफ़र सा एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सा महसूस हुआ होगा हमारे साथ। अभी बारिश भी हो रही है काफ़ी। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस गाइज, सो साइन इन आउट।